दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सूजी का हलवा किस प्रकार से बनाया जाता है और नवरात्रों स्पेशल हलवा आप देखिए। और ये प्योर रेसिपी है, ये हरियाणा की ट्रेडिशनल रेसिपी है। शुरुआत करते हैं, आप कढ़ाई चलाइए, ध्यान रहे कि लोहे की कढ़ाई हो और इस कढ़ाई में आप अपनी आवश्यकता अनुसार सूजी, जैसे मैंने 2 कप सूजी ली है, आप इसके अंदर डालिए। इसके अंदर इसको सूजी को अंग्रेजी में सेवलीना बोलते हैं, हमने इसको डाल दिया है और इसको हमें ना धीमी आंच पर इसको रोटेट रोस्ट करना है। याद रखिए, जब रोस्ट आप करोगे तो इसको कंटिन्यू इसको आपको चलाते रहना है, आप चलाते रहिए इसको इस तरह से। और आप अपने इसको जो आंच है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि ये जो बिल्कुल ही ना जले और ना ही ये कच्चा रहे। इस सूजी को, इस सेवलीना को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन, हल्का हल्का ब्राउन इसमें कलर ना हो जाए। याद रखिए इसको चलाना बहुत जरूरी है। इसके साइड बाय साइड मैंने जो है यहाँ पर ये शुरू किया है सिरप बनाना। अब सिरप का रेसिपी क्या है, जितना जितने कप मैंने सूजी डाली है, जैसे मैंने यहाँ पर सूजी आपके सामने 2 कप डाली है, 2 कप। और यहीं पर लेकिन आप जो सिरप बनाएंगे, चाशनी जब बनाएंगे उसमें आप, तो आप लेंगे उसका 3 गुना पानी, यानी 6 कप आप मैंने पानी डाला इसमें और 2 ही कप चीनी डाली इसमें और थोड़ी सी मैंने इलायची कूट के इसके अंदर डाल दी है। इसको भी लगातार आप मिलाइए, ये बॉईल हो जाएगी। बॉईल होने के बाद आप देखेंगे कि शुगर बिल्कुल मेल्ट हो गई है इसमें। शुगर अगर मेल्ट होती है आप उसको बंद कर सकते हैं अपनी गैस को, उसको आराम से इसको कूल होने दीजिए और तब तक आप अपनी सूजी को भूनते रहिए जब तक ये ब्राउन कलर की ना हो जाए। ठीक, तो मैं भून रहा हूं इसको और आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया जो स्पॉन्जी हलवा जो बनता है उसको मैं आपके सामने तैयार करने जा रहा हूं। देखिए आप ये सूजी, देखिए आप को मैंने से बताया था ब्राउन होने शुरू हो गई है और इसको लेकिन लगातार आपको हिलाना है क्योंकि इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और ये लगातार आप हिलाने से क्या होगा, जलेगी नहीं और हर ग्रेन इसका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फाइन तरीके से रोस्ट हो जाएगा। सूजी को रोस्ट करने का इसका कारण मैं बताता हूँ, क्यों इसको रोस्ट किया जाता है। रोस्ट इसलिए किया जाता है कि सूजी के अंदर इनबिल्ट जो आप कह सकते हैं मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को निकाला जाता है। उस मॉइस्चर को निकालने से क्या होगा, जब इसके अंदर हम सिरप यानी चाशनी जब इसके अंदर हम डालेंगे बनी बनाई, तो जो उसके सूजी के जो ग्रेन्स हैं वो अलग अलग रहें और उनके अंदर एक जिलेटिन टाइप का पेस्ट बने, वो इसीलिए उस मॉइस्चर को इसमें से निकाला जाता है। और मॉइस्चर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है रोस्टिंग, और रोस्टिंग भी आपको धीमी आंच पर, इसको आपको लगातार हिलाना है। और याद रखना भाई, हाथ जरूर दर्द करेगा आपका क्योंकि इसको इतनी देर हिलाने से थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अगर आपको स्वाद लेना है तो भाई ये थोड़ा सा तो आपको ये करना ही होगा। अब देखिए, अब सूजी ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और हल्का सा आप देखिए मल्टी, ये जो ये ग्रेन्स हैं ये मल्टी कलर हो गए हैं, कुछ हल्के हल्के ब्राउन हैं, कुछ जो अलग जो बिल्कुल नीचे रह गए वो ब्राउन हुए, धीरे धीरे हिल रहे हैं, और जो कुछ व्हाइट है। तो ये जो टेक्सचर है ये थोड़ा और बदलेगा, अभी मेन मुद्दा है इसका टेक्सचर बदलने का। इसके अंदर से मॉइस्चर हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और एक बहुत बढ़िया हलवा जो है वो बनेगा। और नवरात्रों पर आप इसको अपने घर पर भी किस तरह इसको बना सकते हैं। सूजी का कलर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जब ये पूरी तरह से ब्राउन होगी तब मैं दोबारा से आपको फिर इसको आगे क्या करना है मैं फिर दिखाऊंगा आपको। देखिए अब सूजी हमारी बिल्कुल, इसका टेक्सचर आपके सामने है और बहुत ही बढ़िया ये ब्राउन कलर में बदल चुका है। अब तैयार है जो चीजें हमने बनाई थी पहले आपके सामने, चाशनी मैंने बनाई और सूजी मैंने बनाई। ये आप देखिए सूजी का जो टेक्सचर है बिल्कुल ही ये गरम गरम है और आप देख सकते हैं इट्स वेरी ब्राउन, और अपने जो रिक्वायरमेंट की है वो तैयार इसमें हो चुकी है, उस शेप की, उस साइज की और उस कलर की। आशा है आपको खुशबू भी इसमें आ रही होगी। हाँ, अब इसको आप उतार के एक साइड में आप कहीं पर दूसरे बर्तन में इसको आप निकाल लें। आपका जो पैन है बिल्कुल वो साफ हो, उसके अंदर एक भी ग्रेन सूजी का ना हो, उसको आप उसको साफ कर सकते हैं दोबारा से। उसके बाद उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट का घी, आप जितना घी डालना चाहते हैं उसमें ऐड कीजिए। वाह क्या खुशी है,
अब इस घी को आप चलाइए। घी पहले बॉयल करने का जो मेन मुद्दा है, इसमें मेन पॉइंट है घी को बॉयल करने का, अगर इसमें हल्का फुल्का कोई मॉइस्चर हो या कोई चीज इसके अंदर हो तो उसको आप इसमें से निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ी देर में आवाज करना शुरू करता है। अगर आप इसके अंदर ऑलमंड्स या कैश्यूज यानी बादाम और काजू भी डालना चाहते हैं तो वो यही समय है। इसी समय जब घी आपका गर्म हो रहा है उसी समय आप अपने काजू बादाम और रेजिन जो भी आपको डालना चाहते हैं वो इसके अंदर डालिए। लेकिन मैं आज इसमें डालना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा सा सैचुरेट हो जाता है। तो मैं सिर्फ इसको घी को बॉयल करूँगा अभी। अब देखो अभी घी पट पट की आवाज कर रहा है क्योंकि हो सकता है इसके अंदर कोई थोड़ा सा हल्का है मॉइस्चर हो। जब ये आवाज करना शुरू करता है तो आप अंदाजे से आप अपना जो आपने रोस्ट की थी जो सूजी उसको इसके अंदर आप धीरे धीरे आप इसके अंदर डाल दीजिए। जैसे आपने डाली है इसको आपको कंटिन्यू हिलाना है, रुकना नहीं है किसी भी कीमत पर क्योंकि रुकने पर इसका जो टेस्ट है वो बदल जाएगा। अब समय है, बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए इसके अंदर चाशनी ऐड करने का। आप देखिए ये बिल्कुल ब्राउनिश कलर का बहुत टेस्टी और खुशबू इसकी पूरी चारों तरफ महकी हुई है। जरूर पड़ोसियों को अंदाजा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार हलवा बन रहा है। अब जो मैंने चाशनी आपकी तैयार की थी अब वो समय है उसको इसके अंदर धीरे धीरे डालने का। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि आप जो चाशनी डालेंगे वो स्लोली डालेंगे, शुरू शुरू में बहुत तेज आवाज आती है क्योंकि घी के अंदर पानी मिक्स हो रहा है। ये देखिए पहले थोड़े डालिए, थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है इसमें और उसके बाद आप अपने अंदर पूरी की पूरी इसके अंदर चाशनी जितनी आपने बनाई है जो तीन गुना मैंने बनाई थी वो इसके अंदर आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसको आपको चलाना है लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट इसमें और है कि इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर दूध। अब देखिए जो मैं दूध की बात करता हूं, दो कप मैंने सूजी डाली इसमें, दो कप चीनी है, तीन कप इसके अंदर पानी था, छह कप पानी था सॉरी, और एक कप देखिए आप ये दूध इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। अब ये आपका जो पूरा का पूरा असेंबलिंग हो गई है आप सूजी का जो हलवा है उसकी पूरा जिलेटिन टाइप हलवा मैं इसको आपके सामने दिखाऊंगा, बहुत ही टेस्टी और खुशबू से लबालब। अभी पहले से जो बिल्कुल लिक्विड था अभी है फ्लूइड में, थोड़ी सी इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, इसकी विस्कोसिटी आप कह सकते हैं बढ़ रही है और ये हलवा बनने का स्पॉन्जी हलवा बनने की तरफ इसका लगभग हम पहुंच रहे हैं। अब देखिए इसमें बबल्स स्टार्ट हो गए हैं। दिस इज द राइट टाइम टू स्टीयर इट कंटिन्यूसली, लगातार आप इसको हिलाते रहिए। और अब दूसरी बात सिम को भी आँच को भी आप इसको कम कर सकते हैं, इसको सिम पर कर सकते हैं बिल्कुल धीरे और धीरे धीरे इसको हिलाते रहिए और आप देखेंगे कि जो हलवा बनेगा वेरी टेस्टी और आपके जीभ के साथ साथ आपकी जो सूंघने की जो इंद्री है सेंसेस है उसको भी ये एक्टिवेट कर देगा। ये गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे अपने अंतिम स्टेज पर। ये लीजिए आपके सामने बिल्कुल हलवा तैयार है, बस थोड़ा सा बाकी है, एंड मोमेंट पर है। लगातार हिलाइए चारों तरफ से, कहीं से लग ना जाए, जल ना जाए, आपके द्वारा की गई मेहनत खराब ना हो जाए। खाने वाले एक बार खाए जरूर दोबारा मांगे। इसकी पहचान असली पहचान है कि ये कढ़ाई के चिपकना बिल्कुल बंद कर देगा।
अब आपके जो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और ये है आपका नवरात्रि स्पेशल सूजी का हलवा। आप देखिए धीरे धीरे ये आ रहा है नीचे। इस पैन जो मेरा है ये, इसके बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। ये इसकी पहचान है कि हलवा आपका स्पॉन्जी है और जिलेटिन टाइप है। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट हलवा तैयार है परोसने के लिए। आप इस पर कटे हुए काजू या बादाम, दोबारा से मैं बता रहा हूं, इस पर डाल सकते हैं और आप अपने आए हुए मेहमानों को परोस सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हलवा बनाने की जो विधि है और हलवा पसंद आया है तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई समस्या इसमें है, अगर पसंद नहीं आता है, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।